तो आप टैक्सी चाहिए? नहीं भाई, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, मेरी अपनी गाड़ी आने वाली है। घर जाकर एक एक को समझूंगा, अभी तक गाड़ी नहीं भेजी पापा। क्यों भाई, ये आपकी चार पहियों की टैक्सी वगैरह कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं सर, खाली। गुड, वेरी गुड। तो ये आपका मीटर चलता है या दौड़ता है या उड़ता है? मीटर क्या, फिक्र न करें सर, बिल्कुल ठीक है, आप बैठिए। अच्छा, तो फिर हमें उस आबादी की तरफ ले चलो जिधर वो सेठ वगैरह रहते हैं। मेरी तरह वो भी एक
दुखी लड़की है सेठ साहब, उसने मुझे मायूसी के अंधेरों में जीना सिखाया है। आप तो जानते हैं अगर इंसान को कोई सहारा ना मिले तो अक्सर औकात वो भटक भी जाता है। सच है, ठीक है। वैसे अगर बात घर से बाहर ना निकले तो मुझे भी अपनी बेटी वगैरह के भटक जाने का अंदेशा है। जी, मगर आपकी बेटी की तो कल मंगनी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कल पहली बार लड़के वालों को देख रहा हूँ। अब देखना ये है कि खरबूजा मीठा निकलता है या पीला। की बेबी वगैरह बहुत ही स्वीट है। लड़के वाले आगे। इस तरह इतनी तेजी से बेहूती से आए। चलिए साहब, लड़के वालों वगैरह को कुछ देख लिया गया। चलिए बेटी, आप आंटी के पास जाइए। हम आते हैं। गिरना नहीं, गिरना नहीं। काबू में रखोगे? तुम लोगों से मिलकर इतनी खुशी हुई है कि खुशी से मैं काबू हो गया हूँ। तशरीफ ले चलिए। अरे भाई, कुछ खातिर मदारा करो ना। खातिर वगैरह? जी सर, खातिर तवाजा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिगरेट? थैंक यू। देर साहब का हमदर्द बनने की कोशिश नहीं करोगे? फिक्र ना करो, इतना शिकायत का मौका नहीं। क्या शिकवे शिकायत हो रहे हैं? कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये आपके भतीजे वगैरह इंग्लैंड वगैरह गए थे, तो मेरा मतलब पूछने का है ये गए भी थे या सिर्फ आए ही आए? नहीं नहीं सर साहब, जी जी आप पता फरमाते हैं, लेकिन मेरा मतलब है करने का सर साहब के मेरे भतीजे वगैरह। अब हमें इजाजत दीजिए सर साहब। ठहरिए सर, अभी तो आपका लोगों से पूरी तरह तारुफ ही नहीं। सर, यह है मिस्टर आबेद आपके होने वाले दामाद के। हाँ, हिस्सा बोलिए, कहीं आपकी दाढ़ी का दूसरा हिस्सा भी ना निकल जाए। देखिए सर, इधर से तो ब्राउन है, जरा इधर से चेक कराइएगा भाई। जरा उधर से मुझे भी चेक कीजिएगा। ये क्या चक्कर क्या है? सर ये है नकली दाढ़ी, नकली अंकल और फ्रॉड दूल्हा। मत करिए, तुम खुद बहुत बड़े फ्रॉड हो। देखो भाई, मिस्टर दूल्हा नाराज होने की जरूरत नहीं है, अब क्योंकि दाढ़ी का पोल खुल गया है और इससे हालात कुछ मशकूक हो गए हैं, इसलिए हम आप जैसे जाली दाढ़ी मूछो वालों को अपनी बेटी की बेटी का हाथ नहीं दे सकते, यानी मंगनी नहीं कर सकते। तुमने जो आग लगाई है संदीप, वो आग इतनी भड़क उठेगी कि इसमें तुम्हारी कुल कायनात जलकर राख हो जाएगी। ये आग और राख का चक्कर वगैरह तो चलता ही रहेगा, फिलहाल आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए नकली राजा साहेब, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और पुलिस आपको मारेगी वगैरह वगैरह। चलो इसको। ये गुस्से में है क्या? लड़के से कुछ रहते ही नहीं। वो जाते वक्त अपनी दाढ़ी ही भूल गए। बहरहाल मिस्टर तनवीर, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल। ये तो मेरा फर्ज था सर, सबको जानते हुए मैं कैसे खामोश रह सकता था। तनवीर बेटे, मैं रुक गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। शायला ने खुदकुशी कर ली है, उसने स्लीपिंग पिल वगैरह खा ली। हाँ, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद। आप फिक्र न करें, मैं अभी लाता हूँ। शायला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तुम्हें तेरी वैसी बच तो जाएगी ना? उस किस्म की से इन्होंने गोलियां बहुत कम मिकदार में खाई। फिक्र न करें, इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएंगी। मिस्टर तनवीर ने मुझे बता दिया था, दवाइयां कलीन लेता आया था मैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दफा होगी। डॉक्टर साहब, खुदा आपका भला वगैरह करे, मेरे तो पैरों के नीचे से कालीन वगैरह निकल गए थे। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत वगैरह? चलिए वगैरह।